चलिए, सो पिछली क्लास तक क्या देख लिया था पहले तो उसकी बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मीटर ब्रिज पढ़ा था पिछली क्लास में। मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि किस तरीके से मीटर ब्रिज काम करता है। मीटर ब्रिज काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल। अब आपके एग्जाम के अंदर, प्री टर्म के अंदर, फर्स्ट चैप्टर तो आ ही रहा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो आ ही रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके बाद तीसरा चैप्टर आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1 हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हो गया आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड ये हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन चैप्टर मिलके हमें 18 मार्क्स का पेपर देते हैं बोर्ड के। बोर्ड में 18 मार्क्स का पेपर इन तीन चैप्टर से मिलकर आता है। ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने जैसे आज की न्यूज भी पढ़ी होगी कि 12th क्लास का बोर्ड जो है वो कैंसल नहीं होगा। 10th का जिस तरीके से कैंसल हो गया था, आज के ही पेपर में ये न्यूज है कि 12th का कैंसल नहीं होगा। 12th का बोर्ड कैंसल नहीं होगा, दैट मीन्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर इज कमिंग नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो भी आ रहा है उसके लिए अपन को पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना है। तो अगले साल किस तरीके से हमें टैकल करना है अपने बोर्ड एग्जाम को, किस तरीके से हमें बोर्ड एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना है, तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर मेथोडोलॉजी बताई जाएगी, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो 99 मार्क्स फिजिक्स के पूरे हुए एनसीईआरटी बेस पे निकल जाएंगे। एनसीईआरटी के बेस पे और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी और जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसके बेस पे 99 मार्क्स आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये ध्यान रखिए, पहले तीन चैप्टर 18 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत आसान चैप्टर्स हैं, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बहुत मुश्किल चैप्टर्स में नहीं आते हैं, बहुत आसान चैप्टर्स में आते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, दूसरी चीज अपन इसके अंदर बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक अगला डिवाइस आता है और मीटर ब्रिज जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आज अपन मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ी बात करें। मीटर ब्रिज के अंदर अपन ने देखा था कॉपर स्ट्रिप्स लगाई थी, एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया था, एक नोन रेजिस्टेंस लगाया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर को एक मूवेबल चौकी से कनेक्ट किया। कल की क्लास में आईपैड पे लूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि रियलिटी में एक्सिस्ट कैसे करता है, रियलिटी में इसका प्रैक्टिकल कैसे करवाया जाता है। वी विल टॉक अबाउट दैट विद द अपन उसको विजुअल तरीके से देखेंगे किस तरीके से करते हैं इसे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाँ भाई, हमारे पास अगर एक मीटर ब्रिज है तो उस मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की क्षमता रखते हैं। कैसे रखते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो भी नोन रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस पॉइंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस L एंड दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। आज हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, देखिए ध्यान से किस तरीके से। क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो। इफ ए 12 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, 12 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एक्स, द अननोन रेजिस्टेंस x, the balance point is at 25 centimeter. तो balance point कितने पे आता है, 25 सेंटीमीटर पे आता है। then find the value of x. सर्किट अगर देखा जाए तो एक ये unknown resistance, एक बीच में galvanometer, ये galvanometer की movable jockey, इस तरफ नोन रेजिस्टेंस, इस तरफ रेजिस्टेंस वायर, ये रही रेजिस्टेंस वायर। पूरा थोड़ी ना बनाएंगे बार बार, इतना सा बना के छोड़ देंगे। अब देखिए यहां पर अपन ने क्या लगाया, दिस इज द बैटरी,
ठीक है, बैटरी लगाई, बैटरी का वैसे कोई रूल नहीं रहता। आप इधर देखिए कि अगर ये एल लेंथ पे बैलेंस पॉइंट देता है तो यहां से कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। इधर अननोन रेजिस्टेंस है, इधर नोन रेजिस्टेंस है, नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 दे रखी है तो 12 दे रखिए। अब अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता तो डेराइव कैसे किया जाता था उसको भी बात करते हैं। डेराइव कैसे किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो बराबर, तो हम लिखेंगे एक्स अपॉन आर वन बराबर आर अपॉन आर टू। एक्स की वैल्यू एक्स ही रहने दो, आर वन की वैल्यू लिख देंगे रो एल बाई ए, आर की वैल्यू आर ही रहने देंगे, आर टू की वैल्यू लिख देंगे रो इन टू 100 माइनस एल बाई ए। ये रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आर एल बाय 100 माइनस एल, और ये चीज हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, नाउ इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आर की जगह पे कितना 12, एल की जगह पे कितना 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल की जगह 75। ये इससे कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 4 ओम, कैलकुलेट होके आ जाती है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही सेम सवाल, इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करते हैं, बोर्ड अपन को क्या देता है। बच्चे क्या सर बोर्ड का पेपर थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता, आप एनसीईआरटी के बेस पे सब सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, R is equal to RL by 100 minus L। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मॉडिफाई। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिख रहा हूं, कैलकुलेट द बैलेंस पॉइंट, कैलकुलेट द बैलेंस पॉइंट इफ, बैलेंस पॉइंट को अपन को कैलकुलेट करना है अगर इफ 4 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्स। अगर हमने एक्स के सीरीज में 4 ओम और लगा दिया तो बैलेंस पॉइंट क्या बनेगा। देखिए 4 ओम अपन फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, 4 ओम की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। अब इसी के पैरेलल बोल रहा है सीरीज में अगर मैं 4 ओम और लगा, मतलब इसके सीरीज में यहां पर 4 ओम और लगा दिया तो टोटल हो गया 8। इसका मतलब अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई है, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है, 12 ही है, l की वैल्यू पूछ रहा है तो वापस से लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा ये लो, x is equal to r l by 100 minus l, x कितना 8, so 8, r कितना 12 into l divided by 100 minus l। यहां से इसको सॉल्व करो, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3, सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है यहां से मेरे पास। यस टेल मी व्हाट इज द आंसर, बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट होता है, व्हाट इज द न्यू बैलेंस पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। नया बैलेंस पॉइंट कितना आ रहा है सर, 40। 40 ओके, एल की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 40 सेंटीमीटर। कहां से निकाली, वापस से वही फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हो सकता है वो आपको यहां पर इसकी जगह पे पैरेलल के बारे में कुछ अरेंजमेंट देता, मैं एक और पार्ट दूंगा इसके अंदर, ध्यान से पहले इसमें देखें। इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया यहां से, ये कटा यहां से 2, ये कटा यहां से 3, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, यहां से बनेगा 200 माइनस 12 इज इक्वल टू 3l, यहां से कैलकुलेट करेंगे बनेगा 200 इज इक्वल टू 5l एंड दिस बिकम्स 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू l। इसका मतलब अगर मैंने इसी सेम क्वेश्चन में x के सीरीज में एक 4 ओम और लगा दिया तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज कर जाता है। इसी सेम क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं,
इस बार चारों को सीरीज में ना लगा करके चारों को पैरेलल में लगाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, चारों को सीरीज में ना लगा करके चारों को किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज लिखा ना, इसकी जगह पर कर लेंगे पैरेलल। अब पैरेलल में अगर मैंने लगा दिया तो सर्किट कैसा बना? एक ऐसे इस तरीके से मेरे पास यहाँ वाला सर्किट आ गया, बीच में 11 नैनोमीटर आ गया, इसलिए चौकी आ गई, यहाँ से ये आ गया, ये ऐसे इधर क्या हो गया, दिस इज 4 एंड 4, दिस इज 12। अब बताइए नया बैलेंस पॉइंट कितने पे आएगा? फॉर्मूला वही है, RL/100 - L। बताइए कितना लोग निकाल सकते? इस बार चार ओम पैरेलल में लगाया, पहले चार ओम सीरीज में लगाता हूँ। ओके, मैंने कर लिया, आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया। यस, बाकी निकालिए एवरीवन। फोर हैंड्स, चार हैंड्स आ गए हैं अपने पास। ओके, रिद्धि, यश, कुणाल ढाका एंड मयंक। तो मैं पूछता हूँ, हाँ भाई कुणाल ढाका, बताओ क्या आंसर आ रहा है, कितना आया? 100/7। सेवन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इक्विवेलेंट देखा तो क्या आया? टू। इसका मतलब अब एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है? टू। अब आर की वैल्यू कितनी है? तो वो उतनी है, 12 की 12। एल की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, so RL/100 - L = x। x की वैल्यू की जगह रख दो 2, यहाँ रख दो 12, यहाँ रख दो L, यहाँ रख दो 100 - L। ये यहाँ से कटा आया 6, ये इधर जाएगा, बनेगा 100 - L = 6L। L की वैल्यू आ जाएगी 100/7 cm। इसका मतलब नया बैलेंस पॉइंट इस पे आ जाएगा। क्या किया? वही सेम सवाल, वही सेम सेम चीज, हर एक क्वेश्चन में वही चीज करेंगे। यही एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन घुमाया जा सकता है लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन ला के हो सकता है वो आपको सीरीज दे दे, हो सकता है पैरेलल दे दे, हो सकता है कोई और अरेंजमेंट दे दे। आपको एक्स, आर और एल इन तीनों में से कोई एक चीज ही पूछी जाएगी हमेशा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एक और आपको टिप देता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली बिना वैल्यूज को चेंज करे डायरेक्टली एग्जैक्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को बाय हार्ट करिए, जितना अच्छे से हो सकता है उसको वहां पर करिए, क्योंकि उसकी हेल्प से होगा क्या, जब आप उनको बाय हार्ट करोगे आप देखोगे एग्जामिनेशन के अंदर एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन विदाउट वैल्यू चेंज आपको एग्जाम में मिल जाए। आइए एक और चीज देखते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मीटर ब्रिज की आज फील आ जानी चाहिए सबको। पहले मुझे ये बताओ, ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? फास्ट मीटर ब्रिज की सबको फील आ जानी चाहिए, अंदर से एकदम ऐसा लगना चाहिए मीटर ब्रिज तो सर हम कर लेंगे, कोई भी सवाल दे दो। एक और देखते हैं, इसी पे ऐसे मीटर ब्रिज पे सवाल रहेगा, दो केसेस बनाऊंगा मैं यहाँ पर और उससे आप लोग बताओगे क्या आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स, दिस इज द नोन, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, दिस इज द जॉकी एंड द वायर, एंड यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसका नाम है वाई। बैलेंस पॉइंट कितने पे आता है? 40 पे आता है। बैलेंस पॉइंट कितने पे आता है? 40 पे आता है। समझ में आ रही है? बैलेंस पॉइंट कितने पे आया? 40 पे आया। अब मैंने क्या किया, ठीक इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैंने अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? ऐसे यहां पर तो x ही रहने दिया,
लेकिन यहाँ वाई के पैरेलल में 12 ओम लगा दिया, वाई के पैरेलल में 12 ओम लगा दिया, जिससे कि बैलेंस पॉइंट 50 पे चला गया। देखो दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है x यहां लगा रखा था, y यहां लगा रखा था, यहां 40 का बैलेंस पॉइंट था। इधर मैंने क्या किया, x यहां लगा रखा है, y यहां लगा रखा है, लेकिन y के पैरेलल में 12 लगाया तो 50 पे बैलेंस पॉइंट चला गया। माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट x एंड y, कैलकुलेट x एंड y। अब देखिए दो कंडीशन, दोनों पे मैं एक एक बार इक्वेशन लगाऊंगा। कौन सी इक्वेशन, x इक्वल टू आर एल बाई 100 माइनस एल, पुट करूंगा वैल्यूज को, दो इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। मुझे कौन दो इक्वेशंस बता सकते हैं कि सर ये इक्वेशंस यहां पर बनेंगी, कौन बच्चे दो इक्वेशंस बता सकते हैं कि सर यही इक्वेशंस यहां पर बनेंगी, ऐसे ऐसे बनेंगी, हैंड रेस करके बताओ। बहुत फेमस सवाल है, सीबीएसई फॉरम में पूछा जा चुका है, नीट के अंदर पूछा जा चुका है, जेई के अंदर पूछा जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। यश, यस बताओ, यश सिंह सर, फर्स्ट इक्वेशन, सर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बनेगी x इक्वल्स टू 2y/3, 2y/3 ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड इक्वेशन x इक्वल्स टू 12 प्लस y बाय x इक्वल्स टू 12 प्लस y अपॉन y, सॉरी सर इनवर्स इनवर्स y अपॉन 12 प्लस y, y अपॉन 12 प्लस y, नहीं सर y अपॉन 12 प्लस y, ये बन गया, दोबारा बताना बेटा एक बार, यस सर ठीक है, सही, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए तो यहां पर कैसे निकाली इक्वेशन, कैसे पता चली हमें इक्वेशन बनेंगी दो, आइए उसके बारे में देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू आर एल बाई 100 माइनस एल, एक बार यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे तो देखिए आर x की जगह पे x है, आर की जगह पे y है, तो ये तो y, और L की जगह पे है 40, 40, 100 माइनस L क्या बन जाएगा 60, तो 60 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, ये बना 2, ये बना 3, और ये बन गया ऊपर वाला इक्वेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां से मैं फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही, परफेक्ट फर्स्ट इक्वेशन बन गई, x is equal to 2y/3, this is the first equation, perfect answer। Second equation कैसे आई सर, फॉर्मूला तो ये क्या था, आर की जगह ये सब क्या आ रहा है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरेलल, पैरेलल में फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1, 1 अपॉन आर 2, यही तो कहता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम उससे जब सॉल्व करते हैं, मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है 12y/12+y। अब इसको उठा के इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एक्स ऐसा का ऐसा, आर की जगह पे हम लिखेंगे 12y/12+y, ये आर आ गया, एल कितना 50, 100 माइनस एल भी कितना 50, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बस डायरेक्टली इक्वेशन यहां से क्या बन जाएगी, मेरे पास डायरेक्टली यहां से इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नंबर 2 व्हिच इज x इक्वल टू 12y/12+y, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। देखो ये x है, ये भी x है, इक्वेट कर देंगे दोनों को, इक्वेट करते मेरे पास बना 2/3y/12y/12+y, ठीक है, ये y है, ये 4 नहीं है, y इसको यहां से कैंसिल किया बना 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट लाइन में बनेगा y12+y=18y, सॉल्व करिए इसको, मल्टीप्लाई करिए, बना 12y+y²=18y, ये उधर गया बना y²=16y, एक y से y कैंसिल, y की वैल्यू आ रही 16 ओम, y की वैल्यू क्या आई
उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा मेरे पास 2/3 × 6, ये इससे कटा 2 times, x की वैल्यू आ गई 4 ohm. एनसीईआरटी एग्जांपल है ये, सीबीएसई फॉरेन में पूछा जा चुका है, सीबीएसई ऑल इंडिया में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, जेईई में पूछा जा चुका है, कुछ नहीं करना, वही एक इक्वेशन है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, इक्वेशन वही सेम है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, दो इक्वेशन बनवा दी, दो इक्वेशन सॉल्व करवा के एक्स और वाई की वैल्यू पूछ ली। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, फटाफट बताओ, यस फास्ट। एक छोटी सी खुशखबरी देते हैं आपको कि मैं मीटर ब्रिज तक ही एग्जाम में दूंगा, एग्जाम में मीटर ब्रिज तक ही आए, ठीक है, एग्जाम के अंदर प्री टर्म एग्जाम के अंदर जो क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर मीटर ब्रिज तक ही एग्जाम में दूंगा, बस खत्म, याद रखिए मीटर ब्रिज तक पढ़िए, नोट्स रही बात नोट्स तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तक के नोट्स आपको मिल चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बाद के जो नोट्स हैं जिसके अंदर किरचॉफ लॉ आता है, ठीक है, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन आता है, फिर उसके बाद किरचॉफ लॉ के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, इसके नोट्स आपको आज एंड तक डे एंड तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको मीटर ब्रिज तक ही पढ़ना है एग्जाम में। अब उसको पढ़ेंगे कैसे, तो उसको पढ़ने के लिए कल की क्लास से अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, जब अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर वी विल मूव ऑन टू पोटेंशियोमीटर, फिर हम पोटेंशियोमीटर पर मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आप लोग इस पे एक और सवाल चाहते हैं तो हैंड रेस कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि एक और सवाल आप लोग करना चाहते हैं इस पे। एक और सवाल, ठीक है, एक और सवाल मैं चाहता हूं इस बार आंसर, मैं चाहता हूं इस बार आंसर आप सभी लोग निकालें, मैं 2-3 मिनट का टाइम भी दूंगा, आप इक्वेशन बनाएं एग्जाम पे जो भी आ रहा है उसको निकालो, इक्वेशंस कैलकुलेट करके देखिए, this is 4 ohm and 4 ohm, this is R, this is 4 ohm and 8 ohm, and this is R, ध्यान से देखना क्या दे रखा है, यहां पर मेरे पास बैलेंस पॉइंट है 50, यहां पर मेरे पास बैलेंस पॉइंट है 70, हमें R की वैल्यू निकालनी, we want to calculate the value of R, बताइए चार फटाफट, यहां से दो कंडीशंस दो इक्वेशन बनेगी, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर। ओके मयंक, वेरी गुड, उत्कर्ष बहुत बढ़िया, ढाका जी, यश सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस, बाकी भी निकाले, बाकी भी निकाले, शोएब, रिद्धि, विश्वेंद्र, महक, विपुल, विपुल ने भी निकाल दिया क्या आंसर, विपुल यादव बताओ, सर आर की वैल्यू 8 आएगी, 8 आ रही है, ओके, आर की वैल्यू आ रही है 8, चलिए वैल्यू इधर क्या बन रहा है, देखो 8,
इधर क्या बन रहा है आठ एंड इधर क्या है आर, तो एट इज इक्वल आर इंटू 50/50। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। एक चीज चेक करने की जरूरत यह है कि क्या सेकंड वाले केस से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड वाले केस से अगर मैं सेम आंसर देखूं तो इन दोनों को लगाओ 8 और 4, सो दिस बिकम्स 8 इनटू 4 अपॉन 12, तो यहां से आ जाता है 8/3, सो 8/3 इज इक्वल टू आर इनटू 70/30। सो जब यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे पास वैल्यू आ रही है R is equal to 8/7। So, दोनों ही केसों में different different answers आ रहे हैं, बिल्कुल आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों ही केस में different different answers आ सकते हैं, क्योंकि इस question के अंदर R और R ये अलग अलग केसेस हैं, दोनों अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, आ सकती है different values। यहाँ इसको सॉल्व किया आंसर आ जाएगा R is equal to 8 एंड इसको सॉल्व करेंगे R की वैल्यू 8/7। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कुछ नहीं करना है। मीटर ब्रिज के अंदर R1 अपॉन R2 R3/R4 रेशो बराबर। कभी बार क्वेश्चन क्या कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दूं तो क्या होगा, तो भी सेम चीज रहेगी, तो भी सेम चीज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जैक्ट सेम तरीके से वर्क करेगा हमारा पूरा का पूरा मीटर ब्रिज, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, एग्जैक्ट सेम काम करता है। दूसरी चीज ये है कि कभी इसके पैरेलल में लगा दिया, इसके सीरीज में लगा दिया, एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन वही है, एक्स इज इक्वल टू आर एल बाई 100-L, ठीक है। हम ये सब निकाल के डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बताइए यहां तक क्लास सबको क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए, अब देखते हैं अपन ओम्स लॉ लिमिटेशन कि भाई ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन होती है, अपन उसकी बात करते हैं। ओम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं, अपन जैसा सोचते हैं कि करंट जहां फ्लो कर रहा है पोटेंशियल जितना है, V इक्वल टू IR लगाओ, करंट की वैल्यू निकालो, रेजिस्टेंस ये है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट। इफ द करंट इन द सर्किट इज वेरी हाई, अगर सर्किट के अंदर करंट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत बढ़ जाए, अगर सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में हमारे सर्किट के अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहता। ओम्स लॉ वैलिड क्यों नहीं रहता, ध्यान से देखिए, फॉर वेरी लो वैल्यूज ऑफ करंट एंड पोटेंशियल इट रिमेन्स लीनियर एंड फॉर हाई वैल्यूज इट कर्व्स, ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो जाता है। अब जैसे ही ग्राफ कर्व हुआ, कर्व होने का मतलब क्या है, यहां पर स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग है, स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक सर्टेन टेम्परेचर तक, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट तक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर सेमीकंडक्टर अलग रहता है, फॉर इंसुलेटर अलग रहता है, फॉर कंडक्टर्स अलग रहता है, तो सबके लिए अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती हो सकती है, तो ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट पे या ज्यादा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे हमारा जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर बनना शुरू हो जाता है। So at very high values of V and I, the graph does not remain straight, it curves, and इसीलिए Ohm's law high values पे applicable नहीं रहता। High values of potential and high values of current पे Ohm's law applicable नहीं रहेगा, value चीज। दूसरी चीज ये है कि semiconductors के लिए, तो first limitation हो गया, second limitation हमारा ये होता है कि semiconductor के लिए जब अपन V और I का graph लगाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए जब अपन वी और आई पोटेंशियल और करंट का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है।
ठीक है, वहां बायसिंग देखी जाती है। बायसिंग क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से इतना ध्यान रखिए कि जब हम सेमीकंडक्टर्स को, जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, ये भी एक सेमीकंडक्टर, जैसे कि सोलर सेल, ये भी एक सेमीकंडक्टर। सोलर सेल का अगर मैं पोटेंशियल ऑफ करंट का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कर्व। इट इज नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार वी प्रोपोर्शनल आई, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ कहीं पे भी मुझे स्ट्रेट लाइन बनता हुआ नहीं दिख रहा, ग्राफ अजीब अजीब से बन रहे हैं। इसका मतलब फॉर सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ इट्स नॉट एप्लीकेबल। सिमिलरली एट वेरी हाई वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, अगेन ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। सो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर टू मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मेंशन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। पहला क्या रहेगा, पोटेंशियल एंड करंट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, वेरी एट वेरी हाई वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, दी ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। सेकेंडली फॉर सेमी कंडक्टर्स लाइक एलईडी, लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स होते हैं, लाइक सोलर सेल, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। और उनका ग्राफ कैसा बन रहा है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है दैट दे डू नॉट फॉलो सेमी कंडक्टर्स एंड एट वेरी हाई पोटेंशियल। बताइए ये चीज सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ दोज हु आर हैविंग एनी डाउट्स हैंड रेज कर दो, ओनली दोज हु आर हैविंग एनी डाउट्स। कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड तो हैंड रेज करिए। कल से तीन चार दिन तक हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ऑब्जेक्टिव सब निकाल के आज क्लास में निकाल देंगे सारे।